हेलो दोस्तों, ब्रिज कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट में मैं इंजीनियर गौरव सौ कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है कर्व लेइंग मशीन के बारे में। अब आप सोचेंगे कर्व लेइंग मशीन क्या होता है, तो कर्व लेइंग मशीन जानने से पहले ये जान लीजिए कि कर्व क्या होता है। कर्व होता है हमारे रोड के किनारे जो हम एलिवेटेड एजेस बनाते हैं उसे हम कर्व कहते हैं। कर्व के काफी सारे यूजेस भी हो सकते हैं। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज ये रहता है कि गाड़ी चलाते वक्त कार आपकी इनर साइड में कहीं डिस्ट्रैक्शन की वजह से एक्सीडेंट ना हो जाए, साथ ही साथ जो हमारा सॉइल एक्यूमुलेट हो रहा है वो रोड तक ना आए। कुछ इस तरीके के हमारे कर्व के काम रहते हैं। तो आज हम जानते हैं कि कर्व बनता कैसे है और आजकल ऑटोमेटिक के जमाने में हमारा क्या क्या तरीके से हम कर्व लेइंग करते हैं, तो आज हम जानेंगे कर्व लेइंग मशीन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 3D मॉडल की मदद से हम कर्व लेइंग मशीन के बारे में जानेंगे क्या क्या कॉम्पोनेंट इसमें लगते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कॉम्पोनेंट आ जाता है वो है हमारा कर्व लेइंग की एक मशीन। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं कर्व लेइंग मशीन। ये क्या करती है, ये हमारा रॉ कंक्रीट को एज अ फीड लेकर उसके बाद में यहां पे हमारा एंड प्रोडक्ट जो कि हमारा कर्व है उसे बनाकर निकालती है। तो ये कैसे होता है, ये एक 3D प्रिंटर की तरह वर्क करता है। तो इसमें जो हमारा सेकंड कंपोनेंट आता है वो है हमारा RMC ट्रक। RMC ट्रक मतलब हमारा रेडी मिक्स कंक्रीट का ट्रक। यहां से हम कंक्रीट प्री मिक्स मंगवाते हैं, मशीन में फीड करते हैं यहां से, और यहां से हमारा जो कर्व है वो प्रिंट होते हुए निकलता है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले जब हम मैन्युअली कर्व बनाया करते थे तो इसमें काफी सारे लेबर्स, मिस्त्री, साथ ही साथ पैसे भी लगते थे, साथ ही साथ में काफी स्लो प्रोसेस भी होता था। अगर मैं आपको एग्जांपल से लेकर बताऊं तो 5 मिस्त्री और 10 लेबर भी अगर आप एक साइड पर लगा रहे तो दिन में ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर कर्व ही बना पाते थे फिनिशिंग के साथ। बट इस कर्व लेइंग मशीन के आने की वजह से अब दिन में आप सिर्फ 2 मिस्त्री और 5 लेबर की मदद से लगभग आप 1 किलोमीटर की कर्व बना सकते हैं। तो देख रहे हैं आप एफिशिएंसी हमारी 300% से 400% बढ़ चुकी है। तो कुछ इस तरीके से ये कॉस्ट और एफिशिएंसी हमारी बढ़ा देता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको इस मशीन की प्राइस बताऊं तो इस मशीन की प्राइस लगभग मार्केट में 2.5 CR है। तो मशीन काफी ज्यादा महंगी है, बट अगर हमको एफिशिएंसी में और फास्ट प्रोसेस में काम करना है तो हमें ये मशीन यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा पेमेंट से लेकर हर चीज डिजिटल होता जा रहा है, जैसे कि हम इंटरनेट से कनेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह हमारा सिविल इंजीनियरिंग में भी ऐसे ऐसे मशीन हम यूज करके हम अपने फील्ड को और ज्यादा एडवांसमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आइए अब जान लेते हैं इसमें किस तरीके का कंक्रीट हमें यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं, जनरली हम यहाँ पे जो RMC ट्रक से कंक्रीट लेकर आते हैं वो रहता है हमारा M20 ग्रेड का कंक्रीट। अब M20 ग्रेड का कंक्रीट तो ये है ही, साथ ही साथ में हमें कंक्रीट में जो ध्यान देने वाली चीज है, जो कंक्रीट में हमारा वाटर रेशियो रहने वाला है कुछ कम रहने वाला है, जिससे कि जो कंक्रीट की कंसिस्टेंसी है वो काफी ज्यादा ड्राई रहेगी। ड्राई रहने की वजह यह है क्योंकि एक रिइंफोर्स्ड कर्व नहीं है। रिइंफोर्स्ड कर्व नहीं होने की वजह से इसमें सिर्फ प्लेन सीमेंट कंक्रीट का कर्व है। तो इसमें यहां पे इसको अपने आप को होल्ड करने के लिए इसमें वाटर का रेशियो कम रखा जाता है। तो कितना वाटर रखा जाता है, तो मैं अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, अगर हम मॉडरेट कंडीशन का लेकर चले तो 1 मीटर क्यूब में हम लगभग 130 से 140 लीटर पानी ही मिक्स करते हैं। अगर आपको जानना है कि ये मैंने कहां से वैल्यू निकाला, तो आप IS कोड 456:2000 के टेबल 3 और टेबल 5 पे जाकर देख सकते हैं कि मॉडरेट कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में और सीवियर कंडीशन में हमें कितने सीमेंट में कितना वाटर हमें मिक्स करना चाहिए। ये तो हो गई कंक्रीट की बात। तो कंक्रीट कुछ यहां से हमारा रैंप से होते हुए ऊपर जाता है, उसके बाद में मशीन से होते हुए यहां पे हमारा ये कर्व बनके निकल रहा है। तो अब हो सकता है कि इसमें हनीकॉम्बिंग की भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल इसका भी ध्यान रखा गया। अगर हनीकॉम्बिंग इसमें ना आए तो जब यहाँ पे हमारा हॉपर में कंक्रीट कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारे लगभग 4 से 5 वाइब्रेटर लगे रहते हैं, ऑटोमेटिक वाइब्रेटर, जो इसमें किसी भी तरीके का एयर बबल्स को एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि हमारी जो कर्व की फिनिशिंग है काफी अच्छी आ जाती है। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना तो आपके लिए फ्री है, बट इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहने के लिए। अब इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, इसकी अलाइनमेंट हम कैसे फिक्स करेंगे, इसकी अलाइनमेंट हम कैसे मेंटेन करेंगे, तो इसका भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो मशीन में हमारे दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से हमने थ्रेड लगा के रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे एक पिलर से होते हुए इस पिलर तक हमने थ्रेड बांधा हुआ है। तो ये थ्रेड का वर्क क्या है, तो ये जो हमारा थ्रेड है ये वर्टिकल
साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस बताता रहता है, मशीन में इनपुट फीड करता रहता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा कर्व प्रिंट होता रहता है। ठीक उसी तरह उस डेटा की मदद से यहाँ पे हमारा कर्व लेइंग होता रहता है। ठीक कैसे वर्क करता है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमारा एक जो थ्रेड गया हुआ है, यहाँ पे हमारा एक सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा एक सेंसर लगा हुआ है, ये वाला सेंसर यहाँ पे हमें हाइट बताता है, तो ये जो हमारा वर्टिकल सेंसर है वो हमें यहाँ की विड्थ बता रहा है। ठीक यहाँ पे भी वैसा लगा हुआ है, ठीक यहाँ पे भी वैसा लगा हुआ है, तो इस थ्रेड से हम अलाइनमेंट पहले फिक्स कर देते हैं, कुछ इस पिलर की मदद से हम थ्रेड को काफी टाइटली बॉन्ड कर देते हैं, और इस थ्रेड के आसपास ये जो हमारे दोनों तरफ मशीन के सेंसर्स लगे हुए, ये इसमें से डाटा इनपुट लेते हैं, उस हाइट और उस विड्थ का यहाँ पे हमारा कर्व लेइंग होता रहता है। अगर मैं इस मशीन की कैपेसिटी की बात करूं, हम इसमें कितना एडजस्टमेंट कर सकते हैं हाइट और विड्थ के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हम अगर लेटरल एडजस्टमेंट की मैं बात करूं, तो इसमें लगभग हम 700 mm का लेटरल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसकी हाइट की बात करूं, तो इसमें आप लगभग 400 mm का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इतने एडजस्टमेंट तक का आप एक दिन में 1 किलोमीटर का कर्व लेइंग कर सकते हैं बड़ी इजीली। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, 2 मिस्त्री और 5 लेबर्स भी लगने वाले, तो उनका क्या काम है, तो उनका काम ये रहने वाला है कि यहां पे अगर कोई रफ सरफेस रह जाता है या किसी भी तरीके की इंडेंटेशंस या किसी भी तरीके की हनीकॉम्बिंग रह जाती है, गैपिंग रह जाती है, तो उसे फिल करने के लिए और साथ ही साथ में उसकी फिनिशिंग बनाए रखने के लिए वो लेबर्स यहां पे पीछे से काम करते हुए चलते हैं, ताकि यहां पे जो भी हमारी फिनिशिंग में कमी रह गई है वो पूरी हो सके। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपके पास कोई और सजेशन है जिस पे आप चाहते कि मैं वीडियो लेकर आऊं, तो नीचे कमेंट करिए और उस पे मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, जाते जाते मैं बस कहना चाहूंगा, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। अंटिल देन, दिस साइड गौरव साहू, थैंक यू सो मच।